गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, पेट हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा है। अगर पेट में कोई भी समस्या पैदा होती है तो इसका असर पूरे शरीर पर होता है। ऐसी एक समस्या हर्निया जो पेट से जुड़ी होती है। यह समस्या उन लोगों को ज्यादा होती है जिन्हें खाने को पचाने में मुश्किल होती है। सीधी भाषा में कहें तो जिनकी बॉडी इम्यूनिटी काफी वीक और डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं करता और कब्ज की प्रॉब्लम बनी रहती है, इसकी वजह से हर्निया हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम हर्निया क्या है, उसके होने के लक्षण और कारण और इलाज पर विशेष जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, जानने के लिए बने रहें इस वीडियो में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे हर्निया है क्या। साधारण शब्दों में कहें तो हर्निया एक मेडिकल प्रॉब्लम है जिसमें शरीर की कोई भी मांसपेशी या टिश्यू किसी छेद के जरिए अपनी झिल्ली से बाहर आ जाती है। इस बाहर निकले अंग को ही हर्निया कहा जाता है। हर्निया की समस्या ज्यादातर आंत और पेट के आसपास की जगह में देखी जाती है। फ्रेंड्स, हर्निया कई प्रकार की हो सकते हैं, जैसे कि इनगुइनल हर्निया। इस तरह का हर्निया पेट और जांग वाले कमजोर हिस्से में होता है। यह सबसे नॉर्मल तरह का हर्निया है जो ज्यादातर पुरुषों में देखने को मिलता है। फेमोरल हर्निया, इस प्रकार का हर्निया जांग के ऊपर वाले हिस्से में होता है। यह हर्निया महिलाओं में ज्यादातर देखने को मिलता है। नंबर 3 पे है इनसीजनल हर्निया। फ्रेंड्स, अगर आपके पेट की पहले कभी सर्जरी हुई है तो इनसीजनल हर्निया होने का जोखिम बढ़ सकता है। सर्जरी के कारण पेट की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जो इस प्रकार की हर्निया के कारण बन सकती हैं। नंबर 4 पे है एम्बिलिकल हर्निया। इस प्रकार का हर्निया हमारे पेट की नाभि के पास एब्डोमिनल वॉल के कमजोर वाले भाग में होता है। यह शिशु और अधिक वजन वाले लोगों में होना आम है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि हर्निया होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, जब किसी लंबी बीमारी या बहुत लंबे समय से दवाइयां खाने की वजह से हमारी बॉडी के टिश्यूज और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, या फिर मोटापा हद से ज्यादा बढ़ जाने पर, या फिर एक पुरानी खांसी और लंबे समय से डिप्रेशन, या फिर प्रेगनेंसी में सही खान पान ना मिलने पर हर्निया की शिकायत हो सकती है। और हाँ फ्रेंड्स, सबसे जरूरी बात, अगर लंबे समय से कब्ज की शिकायत रहती है तो फिर इसके होने की आशंका और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स सभी बीमारियों की जड़ पेट से ही शुरू होती है और पेट की प्रॉब्लम कब्ज से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि अगर किसी को हर्निया होने वाला है या हो चुका है तो हमारी बॉडी कौन कौन से लक्षण शो करते हैं, जैसे कि पेट में दर्द, सीने में जलन, पेट में दबाव या खिंचाव सा महसूस होना, पाचन संबंधी समस्या का होना, उल्टी या निगलने में परेशानी, सांस लेने में परेशानी का होना, ऐसे ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ हम आपको बता दें कि घरेलू उपाय सिर्फ इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक कम कर सकते हैं या आपको फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना हो इससे बचा सकते हैं। लेकिन अगर हर्निया की प्रॉब्लम गंभीर स्टेज पर पहुंच चुकी है तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट से हर्निया को निकलवाना ही इसका लास्ट उपाय है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे हर्निया के लिए कुछ घरेलू उपायों के बारे में। नंबर 1 पे है एलोवेरा। फ्रेंड्स, हर्निया होने के कारणों में कब्ज सबसे बड़ा रोल अदा करता है। ऐसे में एलोवेरा जूस का उपयोग कर कब्ज की समस्या को दूर किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें कब्ज की समस्या तभी होती है जब हमारे शरीर में फाइबर की मात्रा कम हो जाए, और कब्ज को ठीक करने में एलोवेरा में मौजूद फाइबर लाभदायक हो सकता है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि कब्ज जैसी समस्या को दूर कर हर्निया होने के खतरे से बचा जा सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, भोजन करने से लगभग 15 से 20 मिनट पहले आधा कप एलोवेरा जूस पीना बहुत फायदेमंद है। नंबर 2 पे है दालचीनी। फ्रेंड्स, दालचीनी के उपयोग से हर्निया की समस्या से राहत मिलती है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ कब्ज की समस्या को दूर रखने का काम करते हैं और कब्ज हर्निया का कारण बन सकता है, और दालचीनी में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए दालचीनी से हर्निया का इलाज भी किया जा सकता है। आपको बस इतना करना है कि पानी में दालचीनी पाउडर को मिलाकर पानी गर्म करें, बर्तन को ढककर कुछ मिनट के लिए उबलने दें, फिर इसे चाय की तरह सेवन करें। आप दिन में 2 बार यह उपाय कर सकते हैं। नंबर 3 पे है सेब का सिरका, यानी एप्पल साइडर। फ्रेंड्स, सेब का सिरका भी पेट की समस्या को राहत पहुंचाने में मदद करता है। सेब का सिरका हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर रखता है, जिससे हर्निया के पेट संबंधी लक्षणों को दूर करने में मदद मिल सकती है। इसके लिए आप पानी में सेब का सिरका मिलाकर पानी को हल्का गर्म कर लें, फिर इसे खाने से लगभग 5 मिनट पहले पी लें। दिन में 1 बार इसे जरूर लें, आप जल्द ही इसका असर महसूस करेंगे। नंबर 4 पे है गर्म पानी। फ्रेंड्स, सुबह उठकर गर्म पानी पीने से पेट को साफ रखने में मदद मिलती है, मन नरम होता है, और वैसे भी हर्निया की समस्या पेट में समस्या होने के कारण ही होती है, इसलिए सुबह गर्म पानी पीने को हर्निया में फायदेमंद माना जाता है। इसलिए आप प्रतिदिन सुबह गुनगुना पानी पिएं, आप जल्द ही इसका असर देखेंगे।
और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया कि अगर किसी को हर्निया की प्रॉब्लम गंभीर स्टेज पर है तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट की हेल्प से सर्जरी करवाएं। हर्निया का अंतिम उपचार सर्जरी से ही किया जाता है। सर्जरी में हर्निया को शरीर से अलग कर दिया जाता है, साथ ही पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने और हर्निया को वापस आने से रोकने के लिए सिंथेटिक जाल भी लगाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर किसी को हर्निया की शिकायत रहती है तो उसको खाने पीने में कुछ चीजों का परहेज करना जरूरी है, जैसे कि मसालेदार या तले हुए खाद्य पदार्थ, स्पेशली फास्ट फूड, अल्कोहल और सभी पीने वाली चीजें जिनमें कैफीन मिक्स हो, कोल्ड ड्रिंक्स और फ्रिज में रखा ठंडा पानी तो बिल्कुल ना पिएं, लहसुन और प्याज और नॉन वेज। फ्रेंड्स, नॉन वेज इसलिए इस कैटेगरी में शामिल किया गया है क्योंकि इसे पचाने के लिए हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अदरवाइज इट मे क्रिएट प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि हर्निया की प्रॉब्लम में क्या खाना सही है। फ्रेंड्स, आपको हर वो चीज खानी है जो हाई क्वालिटी फाइबर को कंटेन करती हो, जैसे कि सलाद के पत्ते, स्पेशली लेट्यूस, गाजर, पालक, स्ट्रॉबेरी, मशरूम, कद्दू, ब्रोकली, अंजीर, ये सभी चीजें आपको हर्निया से लड़ने में हेल्प करेंगी। तो फ्रेंड्स, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हर्निया किस तरह की बीमारी है, इससे छुटकारा पाने के लिए कौन कौन से घरेलू उपचार का सहारा लिया जा सकता है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अगर आप कुछ अन्य जानकारी जानना चाहते हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। We will glad to answer you। और हाँ फ्रेंड्स, अगर जानकारी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे बहुत से व्यूवर्स वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। फ्रेंड्स, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत और वक्त लग जाता है, तो प्लीज व्यूवर्स हमारे सपोर्ट और सहयोग के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत, थैंक यू।